सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को प्लीज बताइए यार मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा चलिए तो आज का हमारा टॉपिक होगा और ये टॉपिक है एग्जम्शन तो एग्जाम्शन का रिवीजन हम करेंगे सबसे पहले ये बता दूं आपको कि एग्जाम्शन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरली आप इग्नोर कर देते हो ये चैप्टर को पर ये चैप्टर को इग्नोर मत करो दूसरी बात आ, ये टॉपिक में मैं यहाँ रिवीजन तो करवा रहा हूं लेकिन आपको मैं फ्रेंकली कह देता हूँ ये टॉपिक रिवीजन में आपको जितना समझा अच्छी बात है रिवाइज हो गया अच्छी बात है आप कनेक्ट हो गए अच्छी बात है लेकिन बेटा आपको ये फ्रिक्वेंट रिविजन में लेना पड़ेगा आपके रेगुलर बुक से बहुत कुछ आपके रेगुलर बुक से पढ़ना पड़ेगा इसलिए जो जो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट एग्जामेशन आपको कहूँ कि आपको पढ़ के जाना है तो आपको पढ़ के जाना है बॉस दूसरा ऑप्शन नहीं है आप ये बात समझ गए हो गे? एक और बात बताना चाहोगा कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी एग्जाम्शन से गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिए यानी जो लास्ट एग्जाम थी और अभी हमारी में 23 एग्ज़ाम है तो इसमें 10 से 15 एग्जाम्शन गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिए मैं कौन कौन से एग्जाम्शन रिमूव किए वो आपको बताऊंगा ठीक है उसकी लिस्ट अलग से, से दूंगा तो अगर मेरे चार्ट में से रिमूव हो गए और आप ओल्ड चार्ट यूज़ कर रहे हो तो सरप्राइज मत हो जाना अरे ये सर ने पढ़ाया नहीं अगर मैंने चार्ट में से निकाल दिया इसका मतलब वो रिमूव हो गया उसके बाद में भी यहाँ पे मैं अमेंडमेंट की कॉपी लेके बता दूंगा कि कौन कौन से एग्जामिशन्स रिमूव हो गए जो एग्जामिशंस रिमूव है उसके ऊपर ज़रूर ख्याल रखना इसलिए ख्याल रखना क्योंकि इंस्टीट्यूट का एक आदत होती है जो रिमूव है उसके ऊपर पूछ लेंगे ओके okay, तो आपको क्लिक होना चाहिए अरे ये तो एग्जामेशन रिमूव हो गया है ये तो अब टैक्सेबल है तो ऐसे केस में रिमोल की एक लिस्ट शॉर्ट में बना लेना कि ये ये एग्जामेशन रिमूव है गलती से भी एक या दो मार्क का क्वेश्चन वो रिमोल पे आ गया तो और आपने लिख दिया कि इट्स टैक्सेबल तो ऐसे केस में आप मार्क्स स्कोर कर लोगे और एक दो मार्क भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा जी क्योंकि जब फिफ्टी होते हैं तो वो सिक्सटी होते हैं ओके मैं ये एग्जाम्पल नहीं लूंगा कि जब 39 होते हैं तो 40 होते हैं थर्टी नाइन तो आपको 40 के ऊपर मतलब 40 तो सोचना ही नहीं आपको आपको सोचना 60 के ऊपर ही है इसलिए बेटा यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो एग्जामेशन ये चैप्टर रेगुलर बुक में से प्लस अमेंडमेंट्स अच्छे से करके जाना ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरा अभी रिवीजन होने के बाद भी आपने अमेंडमेंट जरूर देखना एग्जमिशन की मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अमेंडमेंट लेक्चर तो देखना ही देखना है आपको क्योंकि ये रिविजन है ऐसा मत समझ लेना कि भाई रिविजन हो गई ओके तो अमेंडमेंट्स हो गया शॉर्ट का ज़माना है पर इतना शॉर्ट का ज़माना नहीं है ओके okay, थोड़ा आपको भी ध्यान रखना है ठीक है आपको भी पढ़ना है सब कुछ चीज़ें रेडीमेड तो नहीं मिलेगी बेटा बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको जितना हेल्प कर कर सको एग्ज़ाम के लिए उतना मैं आपको हेल्प करूंगा दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पे कि ये जो टॉपिक है एग्जामेशन इसमें कुछ एग्जीबिशन जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताते जाऊंगा और वो आप हाईलाइट करते जाना और वो फ्रीक्वेंट रिविजन में लेना आपको याद नहीं रहते हैं ठीक है थीके? तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां पे आर यू रेडी यस और नो तो खुल जा सिम सिम पिटारे से चार्ट निकल गया हमारा एग्जामेशन का <laughs> एग्जामेशन का चार्ट निकल गया चलो इस पिटारे से जो आपने एग्जामेशन का चार्ट निकाला इसको हम थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ चलो मैंने एग्जामेशन जो यहाँ पे डिवाइड किया, किया है वो सेक्टर वाइज डिवाइड किया है आपने मेरा क्लास किया होगा तो आपको पता है कि मैं सेक्टर वाइज पढ़ाता हूँ और हमने एक स्टोरी बनाई थी पुष्पा या बाहुबली की तबीयत खराब हुई वो पूजा पाठ में लग गया वो तबीयत खराब हुई हेल्थ केयर सेक्टर वो पूजा पाठ में लग गया कि उसके बाद में उसके पास एग्रीकल्चर लैंड थी उसका बंटवारा करना था तो वो स्टोरी अभी मैं आपको बताऊँगा जो स्टूडेंट्स ने मेरा क्लास नहीं किया हो लेकिन उनको ये रिविजन बहुत हेल्प हेल्प कर रही होगी तो बेटा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि थोड़ा अच्छे से आपको समझो लेकिन 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 आपको बार बार एग्जामिशंस अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे ओके इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम चलिए तो यहां पे सबसे पहले हम लेते हैं हेल्थ केयर सेक्टर ओके हेल्थ केयर सेक्टर में कितने एग्जामेशन्स थे इसमें से अभी तो दो तीन एग्जामेशन्स निकाल दिए उन्होंने ओके okay, यहाँ पे अब देखो अभी करंट सिचुएशन क्या है और आपको ये हेल्थ केयर सेक्टर कैसे हेल्प करेगा ओके okay, और इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस है तो देखिए हेल्थ केयर सेक्टर

प्रैक्टिशनर अगर सर्विस देगा तो एग्जाम या पैरामेडिक्स जो है पैरामेडिक्स अगर सर्विस देंगे तो ये एग्जामेशन कहा जाएगा व्हाट डू मीन बाय पैरामेडिक्स पैरामेडिक्स मतलब यहाँ पे जैसे टेक्नीशियन है उसके बाद में आ, यहां जहां जा, तक लैब टेक, लैब टेक्नीशियंस होते हैं ओके तो ऐसे कुछ जो असिस्टेंट्स में तो वो पैरामेडिक्स जो असिस्ट करते हैं ओके फॉर योर हेल्थ केयर तो वो पैरामेडिक्स इसमें कवर किए जाएंगे अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स और ये अगर हेल्थ केयर देगी तो मतलब क्या मतलब अगर इसके अलावा दूसरा कोई हेल्थ केयर दे रहा है मतलब ऐसा कोई बंदा दे रहा है जिसके पास कोई ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी मेडिकल एसोसिएशन के पास से कोई यहाँ पे ना डिग्री है ना डिप्लोमा है ना कोई सर्टिफिकेट है ओके और वो सर्विस इंडिया में बहुत सारे लोग हेल्थ कर देते हैं बहुत सारे बाबा लोग बैठे हुए हैं ओके और वो बाबा लोग यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस तंत्र वाले बैठे हुए हैं वो हेल्थ केयर सर्विस देते हैं सबको यहाँ पे एग्जामिशन नहीं है बस ये तीन लोगों को यहाँ पे एग्जामिशन दिया गया है Okay, अब हेल्थ केयर मतलब क्या हम सिंपल सिंपल वर्ड रहे हमारे हेल्थ की केयर क्या के इतना सिंपली इसको इंटरप्रिट करें नहीं बेटा हेल्थ केयर उन्होंने डिफाइन किया है और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड आपके पास मेरा क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन एयर सॉल्व करने की कोशिश करना हर सेक्टर का एक क्वेश्चन तभी तो देखना मैं अभी कह रहा हूं बाद में मत पूछना मेरे को कि क्या इंपॉर्टेंट है हर हर सेक्टर का एक क्वेश्चंस तो भी देखना तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा तो जहां तक देखा जाए हेल्थ केयर यानी क्या जो ये डेफिनेशन में आएगा उसको हेल्थ केयर कहेंगे मींस मींस एनी सर्विस बाय वे ऑफ डॉक्टर सॉरी एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और केयर मतलब क्या डॉक्टर ये सर्विस दे रहा है डायग्नोसिस दे रहा है ट्रीटमेंट या केयर फॉर फॉर ये पांच आइटम पे दे रहा है इलनेस इंजुरी प्रेगनेंसी एबनॉर्मिटी डिफॉर्मिटी मतलब क्या मतलब ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या पैरामेडिक okay, ओके पे आपको डायग्नोसिस सर्विस दे रहा है किस पे तो इलनेस इंजरी प्रेगनेंसी एब्नॉर्मिटी डिफॉर्मिटी अब मेरे साथ और दो बार आपने बोलना है ठीक है या ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्विस दे रहा है कौन सी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और केयर किस पे तो बोलो इलनेस इंजरी प्रेगनेंसी एबनॉर्मिटी एंड डिफॉर्मिटी ओके okay, डिफॉर्मिटी ये पांच ओके okay, यहां पे एक्टिविटी पे सर्विस दे रहा है कि आपको इलनेस हुआ होगा इंजुरी हुई होगी या प्रेगनेंसी एब्नॉर्मिटी एंड डिफॉर्मिटी अगर ये पेशेंट होगा और उसके ऊपर डायग्नोसिस करके दे रहा है तो वो हेल्थ केयर में आएगा सर हेल्थ केयर में ट्रीटमेंट करना जरूरी है क्या नहीं ओके okay, अगर वो बंदा डायग्नोसिस करके दे रहा है तो वो भी हेल्थ केयर में माना जाएगा जैसे कोई बड़ा डॉक्टर है और ओके okay, कोई पेशेंट है उसको कोई इलनेस है समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है तो वो सिर्फ क्या हुआ उसको ओके okay, वो समझने के

या कोई लोकल डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है तो अगर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है ऑन दिस फाइव एग्जाम या केयर केयर मतलब क्या ट्रीटमेंट होने के बाद ओके रूम रूम रेंट दी गई असिस्टेंट डॉक्टर केयर कर रहा है ओके इसके बाद में आर्थोपेडिक है उसके बाद में मतलब बहुत सारे पैरामेडिक्स है जो केयर कर रहे हैं केयर भी कर रहे हो तो ट्रीटमेंट के बाद जो जो चीज़ें केयर के लिए होती है इंक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ रूम इन हॉस्पिटल तो वो भी जो है यहाँ पे ओके एग्जम्ट रहेगा तो ये जो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर है ऑन इलनेस इंजरी प्रेगनेंसी एब्नॉर्मिटी डिफॉर्मिटी ये जो होना चाहिए वो रिकोगनाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होना चाहिए अब रिकोगनाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या क्या है एलोपैथी योगा नेचुरोपैथी आयुर्वेदा होम्योपैथी सिद्धा यूनानी एंड एनी अदर नोटिफाइड ओके सिस्टम रिकोगग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ठीक है तो ये जो है आपका यहाँ पे योगा नेचुरोपैथी इसमें डायग्नोसिस हो रहा है ट्रीटमेंट हो रहा है केयर हो रहा है तो यहाँ पे एग्जाम रहेगा ओके अब कोई तंत्र मंत्र वाला है कोई साधु बाबा है कोई रिकग्नाइज सिस्टम नहीं है जहाँ ओके यहाँ पे फूक फाक कर रहा है और ट्रीटमेंट दे रहा है ओके okay, तो ऐसे केस में यहाँ पे उसको कोई एग्जामेशन नहीं मिलेगा जो भी ट्रीटमेंट होने वाली है डायग्नोसिस होने वाला है केयर होने वाला है ओके okay, वो यहाँ पे रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होगा तो ही एग्जामेशन मिलेगा नाउ अब एक सवाल बहुत सी बार आता है कि सर कोई योगा क्लासेस ले रहा है ओके okay, योगा क्लासेस लेना एग्जाम नहीं है योगा से डायग्नोसिस करना ये पांच पर इलनेस इंजरी प्रेगनेंसी डिफॉर्मिटी या योगा से ट्रीटमेंट करना ये पांच पर या केयर करना ये पांच पर ओके तो उसको ही एग्जाम करने के लिए योगा क्लासेस ले रहा है कोई जिम के क्लासेस ले रहा है तो उसको एग्जम्पन नहीं है समझ में आया क्या समझ में आया तो फटाफट जितने स्टूडेंट कनेक्टेड है वन टाइप करो आई होप आर यू वेटिंग मी तो योगा ऑन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर और ये पांच आइटम पे होगा तो यह एग्जाम इसको कैसे याद रखना ओके ये लर्न करना पड़ेगा आपको कैसे याद रखना ओके तो द, दो आईपैड मतलब आई आई पी ए डी दो आईपैड डीटीसी डी कुरियर से बुलाए दो आईपैड डीटीसी डी कुरियर से बुलाए ये समझ में आया क्या तो यहां Illness, injury, इसके ऊपर डायग्नोसिस, केयर होगा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होगा, तो ही वो हेल्थ केयर माना जाएगा और उसको एग्जामेशन दिया जाएगा उसके बाद में इंक्लूड्स इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू और फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अगर एम्बुलेंस सर्विस होगी तो एम्बुलेंस सर्विस यहां पे एग्जम्ड होगी तीसरा ओके तीसरा हेयर ट्रांसप्लांट कम ऑन तीसरा क्या बेटा हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी ओके इसको कोई बेनिफिट नहीं है मतलब कोई डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है जो ब्यूटी ट्रीटमेंट है उसको कोई बेनिफिट नहीं है अगर कोई भी हॉस्पिटल ने डॉक्टर ने हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी किया इवन दो इन रिकोग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होगा उसको कोई बेनिफिट नहीं है वो टैक्सेबल रहेगा और जीएसटी आएगा एक्सेप्ट ये एक्सेप्शन जरूर याद रखना एक्सेप्शन क्या है

वो कहते हैं कि एक्सेप्ट यहाँ पे ओके वेन अंडर टेकन टू रिस्टोर टू रिक्रक्ट एमी और फंक्शन से आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स होते हैं बचपन से डिफेक्ट होता है हाथ में डिफेक्ट होता है या फिर चेहरे पे डिफेक्ट होता है तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है तो ओके okay, जो बचपन से कॉन्जेंटनल डिसीज है डिफेक्ट है ओके okay, और उसको सही करने के लिए कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी होगी तो फिर एक्सॉम्पन है टू रिस्टोर मतलब वापस रिस्टोर करने के लिए टू एनाटॉमी और, और फंक्शन ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेंटिनल डिफेक्ट मतलब ऐसे कुछ कॉन्जेंटिनल डिफेक्ट जो बचपन से होते हैं ओके और वो बॉडी के सही करने के लिए आप रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट ऑफ एनाटॉमिक यहां पर तो वो एग्जाम रहेगा या डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज कुछ एबनॉर्मिलिटीज है और वो डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज रुक गई है जिसके वजह से प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी या या हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ा तो फिर वो है ट्रॉमा उसके वजह से इंजुरी को, हो गया एक्सीडेंट हो गया इंजुरी हो गई ओके उसके वजह से कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ा या हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ा तो वो सिचुएशन में यहां पे जो है वो है समझ लो कोई पेशेंट है एक्सीडेंट हो गया सर पे मार लग गई इंजुरी हो गई ओके बाल सब चले गए तो उसके वजह से हेयर ट्रांसप्लांट

टू रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी या बॉडी फंक्शन वगैरह होगा या इंजरी ट्रामा वगैरह होगा तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा ये था बेटा हेल्थ केयर तो

अभी देखो ये तो क्लियर है कि एंबुलेंस सर्विस अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट देता है एम्बुलेंस सर्विस अगर ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर देता है तो एग्जम्ट है फिर एक सवाल उठा कि अगर एंबुलेंस सर्विस ये तीनों के अलावा स्पेशली एम्बुलेंस सर्विस ये तीनों के अलावा ओके okay, जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह ओके या कोई प्राइवेट पर्सन भी देगा तो क्या वो टैक्सेबल रहेगा तो नहीं उन्होंने बी में क्लियर बोल दिया कि एम्बुलेंस सर्विस बाय अदर बाय अदर मतलब कोई चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होगी ओके तो वो भी एग्जम रहेगा ओके तो ऐसा हमने ए और बी दोनों क्लोज में देखा नाउ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में नोटिफिकेशन आया और यह नोटिफिकेशन यहां पर आ सकता है इसके ऊपर इंपॉर्टेंट करना तो यह नोटिफिकेशन क्या आया? देखो मैं प्रोविजो यहां परिस एंट्री शाल अप्लाई टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेबलिशमेंट बायर प्रोवाइडिंग रूम्स अंडरलाइन बायर प्रोवाइडिंग रूम्स आईसीयू सीसीयू एनआईसीयू ओके वो अलग अलग जो है वगैरह पर रूम चार्जेस एक्सेडिंग रूपीज फाइव थाउजेंड पर डे टू असन रिसीविंग हेल्थ केयर हमने क्या देखा केयर करना केयर करना भी एक्समट है ट्रीटमेंट के बाद केयर करना भी एक्समट है जिसमें रूम अगर रेंट पे दिया गया ओके okay, तो वह एग्जाम लेकिन अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया और रिस्ट्रिक्शन में ये डाल दिया कि अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो रूम लेता है रूम रेंट पे लेता है और वो रूम का रेंट पर डे ओके पर डे पे थाउजेंड से ज्यादा होगा आई रिपीट पर डे फाइव थाउजेंड से ज्यादा होगा लर्न करके जाना ही फाइव थाउजेंड से ज्यादा होगा तो वो सिचुएशन में एग्जाम्शन नहीं मिलेगा वो रूम रेंट पे बाकी बाकी एग्जाम्शन है मतलब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होती है डायग्नोसिस होता है बाकी एग्जमट है सिर्फ रूम रेंट के बारे में अगर हम बात करें ओनली फॉर रूम रेंट तो पांच हजार के ऊपर होगा तो वो पूरा रूम रेंट पूरा रूम रेंट टैक्स टैक्सेबल होगा द एंटायर रूम रेंट टैक्सेबल होगा लेकिन अगर ये रूम रेंट आईसीयू सीसीयू यू या एनआईसीयू का होगा तो वो एग्जाम रहेगा इसके अलावा नॉर्मल रूम रेंट अगर अमीर ज्यादा है और वो अमीर ज्यादा पांच के ऊपर के रूम में रह रहा है ओके फाइव स्टार की फैसिलिटी ले रहा है हॉस्पिटल में तो ऐसे केस में पूरे रूम रेंट पे जीएसटी आएगा बॉस ये समझाए क्या ओके जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड रिप्लाई करेंगे

दो हजार सत्रह में जीएसटी आया और बारह ओके तो ये जो नोटिफिकेशन है ये याद रह जाए क्योंकि जब भी आप अगर नोट लिखोगे और आप ये लिखोगे कि एग्जामेशन टू थाउजेंड सेवनटीन तो उतना भी इनफ है एग्जाम्शन नोटिफिकेशन ट्वेल्व टू थाउजेंड सेवनटीन यस चलो ये था हेल्थ केयर सेक्टर तो क्या एग्जम्प्टे और क्या टैक्सेबल है थोड़ा एक बार रिवाइज कर ले हेल्थ केयर में हायरिंग और हाँ अच्छा 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 ये ये मैं समझाता हूँ थोड़ा आपको हाँ अब यहां पे एक क्लैरिफिकेशन आया था हेल्थ केयर सेक्टर में वो भी ले लेता हूं हायरिंग ऑफ सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट टेक्नीशियन इंडिपेंडेंटली बाय हॉस्पिटल बहुत सी बार क्या होता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर्स उनके एम्प्लॉय नहीं होते वो बड़े बड़े डॉक्टर्स को हायर करते हैं तो अगर डॉक्टर हॉस्पिटल को सर्विस दे रहा है पेशेंट को नहीं सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल को सर्विस दे रहा है तो क्या वो एग्जाम्प रहेगा ये कहीं नहीं लिखा है कि सर्विस पेशेंट को जानी चाहिए बस इतना लिखा है कि हेल्थ केयर सर्विस बाय ओके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होनी चाहिए ये काली है कि नहीं, ये कहीं नहीं है। तो आप ये सर्विस का बिल हॉस्पिटल पे दो पेशेंट्स को दो उससे कोई कंसर्न नहीं अगर आपका सर्विस डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर ऑन डबल आईपैड होगा और बिल किसको भी दो तो भी एग्जाम रहेगा ओके रिटेंशन मनी टेकन बाय हॉस्पिटल अब ये रिटेंशन मनी क्या होता है पेशेंट से बहुत सी बार ओके okay, हॉस्पिटल वाले लेते हैं एक लाख रुपए और डॉक्टर को देते हैं यहां पे फोर्टी थाउजेंड या फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी परसेंट डॉक्टर को देते हैं बाकी फिफ्टी परसेंट खुद रिटेन कर लेते हैं तो वो फिफ्टी परसेंट जो खुद रिटेन करते हैं क्या वो एग्जाम रहेगा यस वो भी हेल्थ केयर है वो तो कमीशन थोड़ी है वो हॉस्पिटल हेल्थ केयर का बिल पेशेंट को दे रहा है तो जो भी हॉस्पिटल का रिटेंशन मनी होगा वो हेल्थ केयर में ही माना जाएगा और यहां पे यहां पे रिटेंशन मनी टेकन बाय हॉस्पिटल वो भी रहेगा फूड सप्लाई टू एडमिटेड पेशेंट ख्याल रहे ओके okay, अगर हॉस्पिटल की कैंटीन है सुनना हॉस्पिटल की कैंटीन है और वो हॉस्पिटल की कैंटीन वाले एडमिटेड पेशेंट को फूड दे रहा होगा तो वो हेल्थ केयर है नॉन एडमिटेड पेशेंट को फूड दे रहा है तो टैक्सेबल है ओके okay, वहां के स्टाफ को फूड दे रहा है तो टैक्सेबल है जो पेशेंट एडमिटेड है वो के वो केयर माना जाएगा वो केयर में आएगा केयर ऑन इलनेस इंजुरी प्रेगनेंसी और उसको से को नहीं है, या फिर स्टाफ को कैटरिंग सर्विस टू डॉक्टर स्टाफ या आउटसोर्स हॉस्पिटल टू आउटडोर कैटर या हॉस्पिटल ने खुद की कैंटीन किसी और का आउटसोर्स कर दी तो वो यहां पे टैक्सेबल रहेगा चलिए तो हेल्थ केयर का पहला एग्जामेशन हमारा हो गया ओके नाउ नेक्स्ट यहां पे

ओके जो यहाँ एग्जामेशन कवर कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा तो हेल्थ केयर और एनिमल और बर्ड सर्विस बाय वेटरनरी क्लिनिक उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स बाय वे ऑफ रीहेबिलिटेशन थेरेपी और काउंसलिंग एट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट सेक्टर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अंडर ट्वेल्व ए ए और ट्वेल्व ए बी तो जैसे रिहेबिलिटेशन थेरेपी और काउंसलिंग वगैरह होती है वो प्रोफेशनल स्पेशली सर्विस देते हैं ओके okay, समझ लो किसी को नारकोटिक्स की आदत है दारू की आदत है तो रिहेबलीटेशन सेंटर्स होते हैं जहां प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं ओके okay, अगर ये सर्विसेज मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट यानी कोई मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट सेंटर्स है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन ट्वेल्व ए ए और ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 12A और ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होगी तो वो सिचुएशन में एग्जामेशन मिलेगा उस ओके प्रोफेशनल okay, को जो ये रिहेबिलिटेशन में थेरेपी और काउंसलिंग कर रहा है ओके okay, तो इस तरह से हमारा पहला सेक्टर खत्म हुआ और पहला सेक्टर हुआ ओके okay, यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर डन हेल्थ केयर सेक्टर अगर समझ में आ गया होगा तो फटाफट एच टाइप कीजिएगा और अच्छे से समझ में आया होगा आपको बिल्कुल बंद से अच्छा लगा होगा तो एक लाइक like जरूर कीजिएगा ठीक है जमाना लाइक का है <laughs> चलो यहाँ पे मुझे पढ़ाते पढ़ाते अब 20 साल होते हैं मैंने भी 20 साल की जर्नी देखी है कहा पहले का जमाना और कहा अभी का ज़माना पर ठीक है जमाना लाइक का है हमें चेंज होना पड़ता है तो जहां तक है एग्जामेशन रिलेटेड टू हेल्थ केयर सर्विसेस ये हमने देखा आ, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे अब एक एक स्टोरी भी तैयार करते हैं स्टोरी से क्या हो जाएगा ये सेक्टर्स आपको याद रह जाएंगे एक स्टोरी तैयार करते हैं यहां पे स्टोरी ले लो पुष्पा पुष्पा की तबीयत खराब हुई ओके पुष्पा की तबीयत खराब हुई यानी हेल्थ केयर सेक्टर ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट अब यहां पे आते हैं चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर ये सेक्टर के एग्जामेशन देख लेते हैं पहला ओके सर्विस बाय एंटिटी ख्याल में रखना सर्विस बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और सर्विस दे रही है बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी आई रिपीट बाय वे ऑफ क्या चैरिटेबल एक्टिविटी यहां पे चैरिटेबल एक्टिविटी वो सर्विसेज दे रही है और व्हाट डू मीन बाय चैरिटेबल एक्टिविटी तो वो नीचे डिफाइन किया है वो नीचे डिफाइन किया है अगर इंडिया की कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट जो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन ट्वेल्व ए ए में या ट्वेल्व ए बी में रजिस्टर्ड है और नीचे दी गई वो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही होगी तो वो एग्जम रहेगी वो एग्जाम रहेगी अब सर ये नीचे दी गई इतनी सारी चैरिटेबल एक्टिविटी लर्न करेगा लर्न मत करना पर कुछ एक दो बार ऐसे पढ़ लेना कि जिस अगर इसमें कोई सवाल पूछ लिया कोई प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट पूछ ली तो आपको क्लिक हो जाए आपको क्लिक हो जाए ओके चैरिटेबल एक्टिविटी ब्रॉडली मैं यहाँ चार पार्ट में डिवाइड करूंगा पहला पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड दूसरा कुछ ट्रीट ओके स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एक्टिविटी और तीसरा एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट ठीक है देखो मेमोरी को जब भी कोई चीज टफ जाती है ना तो वो सिचुएशन में उसको जो है यहाँ पे ओके ब्रेक ब्रेक में पढ़ो तो आ, आपको याद रखने में आसानी होती है ठीक है तो चलिए पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ ओके ना केयर और काउंसलिंग या पब्लिक अवेयरनेस केयर और काउंसलिंग दिया जा रहा है टर्मिनली इल पर्सन पर्सन विथ फिजिकल और मेंटल डिसबिलिटी ओके okay, उनको उनका केयर किया जा रहा है उनको काउंसलिंग दिया जा रहा है और वो चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है अफेक्टेड विद एच एंड एड्स पर्सन एडिक्टेड विद नार्कोटिक्स तो इनको काउंसलिंग किया जा रहा है या इनकी केयर की जा रही है ओके okay, और ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कर रही होगी तो वो एग्जाम रहेगा पब्लिक अवेयरनेस में प्रिवेंशन हेल्थ फैमिली प्लानिंग ओके हम दो हमारा एक फैमिली प्लानिंग प्रिवेंशन ऑफ एच आई वी इंफेक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम अगर चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है तो उसका अगर कोई फ्री होगी तो जीएसटी आता नहीं है पर उसका अगर कोई कंसिडरेशन होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसका कोई कंसिडरेशन होगा तो वो सिचुएशन में एग्जाम रहेगा ओके ख्याल रहे पब्लिक के लिए इतनी ही सर्विसेस कवर्ड है अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्टल होगा तो हॉस्टल अकोमोडेशन यहाँ एग्जाम होगा हॉस्टल अकोमोडेशन ये एंट्री में एग्जाम होगा पर एक दूसरी एंट्री है ओके ड्वेलिंग यूज फॉर रेसिडेंस एग्जाम सेकेंड लॉजिंग बोर्डिंग अनलेस इट इज कंपोजिट सप्लाई ओके कंपोजिट सप्लाई विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी आप लिख दो विथ आप लिखो यहाँ पे विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी और फिटनेस कैम्प और क्लासेस तो ये जो है चैरिटेबल ट्रस्ट और बहुत सी हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विस देती है तो यहां एक्जामेशन नहीं रहेगा आगे एक एक्जाम्शन आएगा यूज फॉर रेसिडेंस फॉर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन तो उसको वो एंट्री में एक्जामेशन मिल सकता है नेक्स्ट यहां पे बहुत सी बार लॉजिंग बोर्डिंग सर्विस होगी चैरिटेबल ट्रस्ट की अगर ये आपके स्पिरिचुअल प्रोग्राम के साथ कंपोजिट सप्लाई जैसे आप कोई ईशा फाउंडेशन में गए रामदेव बाबा के ट्रस्ट में चले गए और आपको कंपोजिट दिया मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी ओके मेडिटेट

ओके ट्रीटमेंट बाय ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी और योगा ओके योगा के क्लास चैरिटेबल ट्रस्ट ले रही होगी तो एग्जाम मिलेगा ठीक है उसके बाद में एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू एवेंडेंट ऑरफान और होमलेस चिल्ड्रन फिजिकली मेंटली अब्यूज पर्सन प्रिजनर्स और पर्सन ये अच्छे से बढ़ के जाना पर्सन ओवर द एज ऑफ सिक्सटी रिसाइडिंग इन रूरल एरिया मतलब ये जो अब ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनका कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम कैरी आउट करना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कैरी आउट करना प्रिजनर का करना यहाँ पे तो ऐसे सिचुएशन में एग्जम्शन मिलेगा और प्रिवेंशन एन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर शेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट एक्सेट्रा ऐसे कोई चैरिटेबल एक्टिविटी होती है तो उसको एग्जम्पन मिलेगा तो ये एक रीड कर लर्न नहीं करना है पर रीड करके चला देना कि चैरिटेबल ट्रस्ट की सारी एक्टिविटी को एग्जाम नहीं है बोलो मेरे साथ एक फिर से चैरिटेबल ट्रस्ट की सारी एक्टिविटी को एग्जेशन नहीं है वो चैरिटेबल एक्टिविटी जो ये लिस्ट में आती है तो एग्जम्पन मिलेगा अदरवाइज एग्जाम्शन नहीं मिलेगा देन उसके बाद में नेक्स्ट ओके रिलीजियस एक्टिविटी कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी लिखना है तो लिख देना पंडित की सर्विसेज सर्विस okay, अगर पंडित है मौला है इनकी जो सर्विस है कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी और दक्षिणा जैसा okay, सत्यनारायण की पूजा और ये स्वाहा दक्षिणा तो दक्षिणा पे जीएसटी नहीं अगर जीएसटी लगा दिया जाए दक्षिणा पे क्योंकि सर्विस मतलब एनी अदर देन गुड्स दक्षिणा भी सर्विस है लेकिन कल जाके अगर दक्षिणा पे जीएसटी लगा दिया जाए तो ये पंडित वाले क्या बोलेंगे ओके okay, स्वाहा दक्षिणा विद जीएसटी ओके okay, अच्छा नहीं लगता है पब्लिक सेंटिमेंट को अफेक्ट होता है ओके okay, इसलिए फिलहाल पंडित की सर्विसेज ये भी बहुत बड़ी कमाई है पंडित की सर्विसेज यहाँ पे या कोई भी ऑथराइज पर्सन इन योर रिलीजियस यहाँ पे टेक्स्ट जो भी आपका रिलीज रिचुअल्स है टेक्स्ट है उसमें जो ऑथराइज सर्विसेज होगी ओके आप यहाँ पे मौला कहो पादरी कहो या फिर आप पंडित कहो उनकी सर्विसेज सारी एग्जम्प्ट रहेगी उसके बाद में नेक्स्ट ये एग्जामेशन मैं चाहता हूँ कि अच्छे से पढ़ के जाना रेंटिंग ऑफ सबसे पहले तो ये एग्जाम्शन ये जो है रेंटिंग को है रेंटिंग ऑफिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस मीन फॉर जनरल पब्लिक अब कोई टेम्पल होता है या कोई भी रिलीजियस प्लेस होती है उसके आजू बाजू बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस होती है मतलब उसके आजू बाजू रहने के लिए आश्रम होते हैं उसके आजू बाजू मेडिटेशन हॉल होते हैं ओके कल्याण मंडप मतलब यहाँ पे उसके आजू बाजू जो होते हैं शादी के मैरिज हॉल होते हैं शॉप्स होती है जैसे आप शिरडी सा साई बाबा ट्रस्ट जाओगे तो आजू बाजू बहुत सारे आश्रम भी है शॉप्स भी है पार्किंग एरिया भी है ओके तो अगर रेंटिंग ऑफ प्रिसिंग्स मतलब रिलीजियस प्लेस के आजू बाजू ओके क्योंकि वहाँ पब्लिक सेंटिमेंट बहुत अटैच होते हैं वो केस में तो उसके आजू बाजू जो है ओके अगर रेंटिंग दिया जा रहा है ओके मीन फॉर जनरल पब्लिक और वो कौन रेंट पे दे रहा है वो दे रहा है ओन मैनेज और एंटिटी रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट मतलब वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं वो जो रेंट पे दे रहा है ओके okay, वो जो जगह रेंट पे दी जा रही है इट इज ओन बाय और मैनेज बाय ओके एंटिटी रजिस्टर एज ए चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12 ए ए बी ए सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी फाइव सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री बी बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ओके तो सबको एग्जामिशन नहीं है अगर कोई चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट होगी जो ये सेक्शन में आप इनकम टैक्स एक्ट रजिस्टर्ड है और वो अगर रेंट पे दे रहा है ओके okay, आप पे आजू बाजू जो है यहाँ पे आश्रम है या फिर यहाँ पे धर्मशालाएं है धर्मशालाएं रेंट पे दी जा रही है या फिर मैरिज हॉल रेंट पे दिया जा रहा है और ये लोग दे रेंट पे दे रहे हैं तो वो केस में यहाँ पे एग्जम्पन रहेगा लेकिन ये एग्जम्पन को कैपिंग भी है ओके okay, यानी पूरा एग्जाम नहीं है और कि ये कैपिंग बिल्कुल लर्न करके जाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये कैपिंग भी है और कितना तो देखो रेंटिंग ऑफ रूम्स होगी यानी धर्मशाला होगी आश्रम हो और वो रूम रेंट पे दे रहे हो ठीक है तो वे चार्जेस आर रुपीज वन थाउजेंड और मोर पर डे होगा तो एग्जाम्शन नॉट अवेलेबल आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि अगर लेस देन वन होगा तो फिर एग्जाम अगर रूम रेंट पर डे रूम रेंट पर डे पर डे को हाईलाइट करना ओके okay, आपके रूम रेंट पर डे सॉरी आपका एक हजार, एक हजार एक से एक ज्यादा है तो वो टैक्सेबल रहेगा ओके okay, से कम होगा तो एग्जाम अगर रेंटिंग ऑफ प्रिमाइसिस कम्युनिटी हॉल कल्याण मंडपम और ओपन एरिया एंड लाइक और वेयर चार्जेस आर टेन थाउजेंड और मोर दस हजार या उससे ज्यादा होगा पर डे तो एग्जेंशन नहीं मिलेगा यानी पर डे चार्जेस बिलो वन हो तो ही एग्जाम मिलेगा।, तो मिलेगा इसका आपके क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व करके जाना क्वेश्चन आ सकता है ठीक है अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स ओके वेयर चार्जेस आर टेन थाउजेंड और मोर पर मंथ यहाँ पे पर मंथ है ओके तो अगर ये रिलीजियस ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट जो ये सेक्शन में रजिस्टर्ड है और वो जो है यहाँ पे ओके टेंपल के आजू बाजू शॉप रेंट पे दे रही है बिजनेस के लिए शॉप दे रही है या बिजनेस के लिए स्पेस दे रही है और उसका मंथली अमाउंट अगर दस हजार से मंथली बोलो तीन बार मंथली अमाउंट अगर दस हजार से नीचे होगा तो एग्जेपन मिलेगा दस हजार या उससे ज्यादा होगा तो एग्जेस नहीं मिलेगा तो पहले दो केस में पर डे है पर थर्ड केस में याद रखना पर मंथ है ओके तो ये हुआ दूसरा सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैलाश चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर खत्म किया चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर खत्म किया ओके okay, मजा आया सारा कवर कर लिया तो चलिए एक बार फिर से ओके okay, कैसे सेक्टर याद रखना पहला हेल्थ केयर सेक्टर हेल्थ केयर सेक्टर मतलब okay, लेते pushpa. Okay, pushpa की तबीयत खराब हुई ओके या एस जीएसटी सुन के फ्लावर समझा क्या फायर है मैं ठीक है ओके डायलॉग यहाँ पे आपको याद होगा तो चलो भाई तो अब ऐसे केस में यहाँ पे हेल्थ केयर उसके बाद में यहाँ पे चैरिटेबल रिलीजियस उसकी तबियत खराब हुई वो पूजा पाठ में लग गया पुष्पा पूजा पाठ में लग गया चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर अब आते हम यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर अच्छे से पढ़ के जाना आई विल ट्राई माई बेस्ट सेक्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझाओ ठीक है अब तीसरा सेक्टर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर अब देखिए अगर ये जो सर्विसेस है ओके और इसमें पहले फ्यूमिगेशन ऑफ़ फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस हो गया था वो फ्यूमिगेशन निकाल दिया एग्रीकल्चर सेक्टर के बहुत सारे एग्जामेशन उन्होंने रिमूव किए या अमेंड किए हैं चेंज किए नालायक कुछ पेशेंस रखना चाहिए ना पेशेंस दुनिया में तो अब पेशेंस खत्म ही हो गया और चार जीपीटी आने के बाद तो और पेशेंस खत्म हो जाएगा और खत्म हो जाएगा ओके अब फ्यूचर में एक मैं बोलता हूँ फ्यूचर में क्लासेस का स्कोप कहाँ पे अभी से तैयारी करना पेशेंस कैसे मेंटेन किया जाए ये इसके क्लासेस हो गए मेडिटेशन कैसे कि, किया जाए सोशल मीडिया से कंट्रोल कैसे किया जाए इसके स्पेशल क्लासेस हो गए और ये फ्यूचर का अच्छा स्कोप है मैं अब आपको बता देता हूं अभी से तैयारी कर लो ठीक <laughs> है देख लेना फ्यूचर में इसके क्लासेस हो मेडिटेशन हाउ टू कीप अवे फ्रॉम सोशल मीडिया हाउ टू कीप अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी हाउ टू ओके यहां पे स्पिरिचुअलिटी ये अच्छा बिजनेस है फ्यूचर में ठीक है तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन उसके बाद में सप्लाई फार्म लेबर उसके बाद में प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म हाँ, अब यहां पे सी वाला देखो अब यहां पर यह देखना प्रोसेस कैर आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग प्रोनिंग कटिंग हार्वेस्टिंग ड्राइंग क्लीनिंग ट्रिमिंग बल्क बल्क पैकेजिंग ओके मतलब वो Uh, वो होते हैं ना बड़े गनी बैग्स पोते पोते जो होते गनी बैग्स उसमें पैकेजिंग करना बल्क पैकेजिंग विच डू नॉट अल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपी एपी का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एपी का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नेक्स्ट लीजिंग रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी ये इंपॉर्टेंट एंट्री है इस इसपे बहुत सी बार पूछा जाता है रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और लैंड एग्रो मशीनरी और वैकंड लैंड विथ और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज उसके बाद में ये भी एक इंपॉर्टेंट एंट्री है फेवरेट एंट्री हमारे इंस्टीट्यूट की लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एपी एपी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसके बाद में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, उसके बाद में सर्विस बाय वे ऑफ एपीएमसी एपीएमसी मतलब हाँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस मतलब रिसर्च सर्विस आपको लिखना है तो लिख सकते हो रिसर्च सर्विस और उसके बाद में सर्विस बाय एनी एपीएमसी एपीएमसी मतलब लिखना हो तो लिख दो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कमीशन एजेंट फॉर सेल और ऑफ एपी ये भी फेवरेट एंट्री कमीशन फॉर सेल और अब आपके आपके पास पुरानी नोट्स होगी तो अभी इतना ही है बेटा इसके अलावा अगर कोई एंट्री आपके नोट्स में पड़ी होगी फ्यूमिगेशन वगैरह तो वो सब रिमूव हो गया है ठीक है तो ये सर्विसेस अगर आप ए से लेके जी तक ये सर्विसेस अगर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे दी गई तो एग्जाम तो अब मैं ये तो आपको पढ़ाऊंगा गई लेकिन पहले मैं मीनिंग बता देता हूं एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ठीक है तो एग्रीकल्चर यानी क्या और इस पर अगर ये सात सर्विसेज साथ नहीं है अभी कितनी बची ओके ए बी सी ई एफ जी हाँ सेवन सर्विसेस अगर इसके ऊपर ये सेवन सर्विसेस दी गई तो ही एग्जाम एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे दी गई तो ये एग्जाम व्हाट कल्टीवेशन ऑफ प्लांट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स ओके कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या रेरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट याद रखना एक्सेप्ट रेरिंग ऑफ हॉर्सेस एक्सेप्ट रेरिंग ऑफ हॉर्सेस ओके फॉर फूड फाइबर फ्यूएल रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर एक्टिविटी आई रिपीट फूड फाइबर फ्यूएल और रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर एक्टिविटी अगर इसके ऊपर सर्विसेस होगी तो वो सर्विसेस एग्रीकल्चर मानी जाएगी और एग्जम्ट होगी ओके समझ लो आपने कल्टीवेशन ऑफ प्लांट के लिए प्लांट कल्टीवेशन के लिए सब फार्म लेबर लिए ओके प्लांट कल्टीवेशन के लिए आपने सी टेस्टिंग लिया ओके okay, ये सारी सर्विस अगर प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए होगा तो एग्जाम रहेगा या रिसर्च सर्विस लिया आपने कल्टिवेशन ऑफ प्लांट के लिए ओके तो वो एग्जाम रहेगा या आपने वैकेंट लैंड वैकेंट लैंड लीज पे ली पर वो वैकेंट लैंड लीज पे किस लिए ली क्यों क्योंकि आपको कल्टिवेशन ऑफ प्लांट करना है तो वो एग्जाम रहेगा ना ये कल्टिवेशन ऑफ प्लांट जो है फॉर फॉर फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल और अदर सिविलर एक्टिविटी मतलब वो कल्टीवेशन से कुछ फूड फाइबर निकलना चाहिए तो एग्जाम ओके फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल या अदर प्रोडक्ट हो गए तो एग्जाम समझ लो ओके okay, यहाँ पे मेरा बंगलो है और बंगलो में गार्डन भी है और मेरे गार्डन को मेंटेन करने के लिए मैं ओके okay, गार्डन में मैं प्लांट कल्टीवेट कर रहा हूँ छोटे 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 प्लांट कल्टीवेट कर रहा हूँ और माली को हायर कर रहा हूँ हाँ फार्म ओके लेबर लेबर है ना माली माली को हायर कर रहा हो और नो डाउट वो माली आ रहा है प्लान कल्टीवेट कर रहा है पर ये सब प्लान कल्टीवेट शोकेस के लिए है इससे कोई फूड फाइबर मिलने का इंटेंशन नहीं है कि भाई फूड मिलेगा मार्केट में बेचूंगा ऐसा नहीं है तो आपका कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल या अदर सिमिलर प्रोडक्ट के लिए होगा तो ही वो एग्रीकल्चर माना जाएगा इसलिए मैं अपने गार्डन में अगर माली की सर्विस ले रहा हूं तो वह एग्जाम फूड नॉट फॉर गेटिंग फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट इसलिए उसको एग्जामशन नहीं मिलेगा आई होप यू अंडरस्टूड दूसरा दूसरा यहां पर okay, उन्होंने कहा एग्रीकल्चर में रेनिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स यानी कोई भी एनिमल जिसमें लाइफ है ह्यूमन छोड़ के कोई भी एनिमल जिसमें लाइफ है ओके वो आप पाल रहे हो और किस लिए पाल रहे हो फॉर गेटिंग फूड ओके फॉर गेटिंग फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल और ओके यहां पे तो एग्जाम रहेगा जैसे जैसे यहाँ पे पोल्ट्री फॉर्म पोल्ट्री फॉर्म फॉर गेटिंग फूड के okay, या फाइबर पोल्ट्री फॉर्म फॉर गेटिंग फूड या, या अदर सिमिलर प्रोडक्ट जिसमें एग्स है चिकन है या फिर सिल्क सेरिकल्चर सिल्किल्क पाल रहे हो उस, फा, उससे फाइबर मिलने के लिए या फिर आपका हनी बीज फार्म हो गए तो ये जो यहां पे जो रे रेरिंग रे ऑफ रे ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स काउ बफेलो उसके इनको पाल रहे हो फॉर गेटिंग मिल्क एक्सेट्रा तो ऐसे सिचुएशन में ओके उनको पालना भी एग्रीकल्चर बोली जाएगी इसलिए ओके रेरिंग ऑफ एनिमल्स के लिए अगर आप लेबर की सर्विसेज ले रहे हो या आप कोई मशीनरी रेंट पे ले रहे हो कोई लैंड पोल्ट्री फार्म के लिए कोई लैंड रेंट पे ले रहे हो तो जो आपको लैंड रेंट पे देगा एग्जाम रहेगा ओके तो यहाँ पे कोई रिसर्च सर्विस ले रहे हो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स के लिए ओके okay, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा तो एक चीज आप ख्याल में रखना कि एग्जम्पन तभी मिलेगा अगर आपका कल्टीवेशन या रेरिंग जो है फूड फाइबर के लिए हो रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेट्स पाल रहा हूँ पेट्स मतलब डॉग्स है या कैट है या जो भी पेट्स पाल रहा हो लेकिन उससे कोई फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल मिलने का इंटेंशन नहीं है तो जो आप पेट्स पाल रहे हो उसको उसके रिलेटेड सर्विस को एग्जाम्पन नहीं होगा आप आ, आ, एनिमल को पाल रहे हो जिसमें क्लियर इंटेंशन है कि फूड फाइबर फ्यूल

ये हुआ एग्रीकल्चर समझा क्या एग्रीकल्चर तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है ए टाइप करो ए टाइप करो नाउ नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अब ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे भी अगर आप ये सेवन सर्विस लेते हो एपी पे बहुत सी जगह देखो एपी एपी वर्ड यूज किया है तो व्हाट डू यू मीन बाय एपी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब क्या तो देखिए ये डेफिनेशन दोनों डेफिनेशन लर्न करके जाना है लिख दो यहां पे एल एल दोनों डेफिनेशन लर्न करके जाना है ये क्यों नहीं आ रही है बराबर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मींस एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर जो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है कल्टीवेशन और रेरिंग इससे मिला हुआ प्रोड्यूस ओके एग्रीकल्चर मतलब कौन सी कल्टीवेशन और रेरिंग इससे जो मिला हुआ प्रोड्यूस है मतलब फार्म से निकला हुआ प्रोड्यूस है ओके तो यहां पे एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन विच इधर नो प्रोसेसिंग इज डन वो कहते हैं हम ए पी तभी बोलेंगे जैसा फार्म से निकला वैसा जैसे ज्वार निकली ज्वार वैसी की वैसी फ्रूट्स निकले वेजिटेबल्स निकले ओके यहाँ पे कॉटन निकला सोयाबीन निकला जो भी फार्म से निकला या फिर आपने काउ आपका कऊ फार्म होगा तो मिल्क निकला और एज इट इज वो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मींस एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन विच आइदर नो प्रोसेसिंग इज डन आपने कोई प्रोसेसिंग नहीं किया वैसा का वैसा है तो वो एपी बोला जाएगा सर एपी बोलने का फायदा क्या है एपी बोलने के बहुत सारे फायदे अगर एपी बोल दिया गया एपी अगर बोल दिया गया तो उसका लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ एपी एग्जाम से लोडिंग सर्विसेस ली फिर ओके okay, मार्केट में अनलोडिंग सर्विसेस ली उसकी पैकिंग सर्विसेस ली बल्क पैकेजिंग सर्विसेस ली हाउस में रखा गया उसकी सर्विसेस ली वो सारी एग्जम्ट है लेकिन वो एपी होना चाहिए दूसरा आप जब

और नेक्स्ट आपका अगर एपी रहेगा और आप उसके लिए एजेंट अपॉइंट करते हो जैसे अड़तिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एजेंट को अड़तिया बोला जाता है तो ओके okay, माल बेचने के लिए आप अड़तिया अपॉइंट करते हो आपने मंडे में देखा होगा बहुत सारे एजेंट्स होते हैं उनकी सर्विसेज भी ऑन सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओके सेल और प्रोड्यूस तो ऐसे केस में ओके okay, इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है मींस एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन विच इधर नो प्रोसेसिंग इज डन तो एपी रहेगा सर अगर प्रोसेसिंग हो गई तो फिर वो एपी नहीं और एपी नहीं तो ये सारे बेनिफिट नहीं ओके okay, वो जैसा निकला वैसा ही ओके okay, और और अब सेकंड देखो वो क्या कहते हैं सच प्रोसेसिंग इज डन एज यूजुअली डन बाय कल्टीवेटर और प्रोड्यूसर या फिर वो कुछ ऐसी प्रोसेस जो करनी पड़ती है और वो जनरली कल्टीवेटर करता है कल्टीवेटर मतलब फार्मर या प्रोड्यूसर करता है जैसे ओके आपको बताया कि ज्वार वैसे नहीं निकलती है ओके ज्वार फार्म से निकलने के बाद थ्रेशिंग करना पड़ता है और यूजुअली ज्वार को मार्केट में लाने के लिए थ्रेशिंग करनी पड़ती है और वो फार्मर ही करता है बाहर नहीं करता वो फार्मर ही करता है अगर कोई प्रोसेस जरूरी होगी तो वो जरूरी प्रोसेस पहली कंडीशन कल्टीवेटर ने करना चाहिए प्रोड्यूसर ने करना चाहिए उस प्रोसेस से एसेंशियल कैरेक्टर नहीं बदलने चाहिए ज्वार रिमेन्स ज्वार सोयाबीन रिमेन्स सोयाबीन ओके एंड मेक इट मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट अगर वो प्रोसेस नहीं करोगा तो मार्केट में ज्वार के फ्लावर जो ज्वार के कुंदे होते हैं वो पता ही नहीं वो कौन लेगा ओके okay. उसको थ्रेशिंग करना ही पड़ेगा हाँ ओके okay, हमारी शर्त है अगर एपी के बेनिफिट लेने हैं तो जैसा निकला फार्म से वेजिटेबल फ्रूट्स वो वैसा का वैसा रखना कोई प्रोसेस मत करना उसके ऊपर या उतनी ही प्रोसेस करना पहली कंडीशन जो कल्टीवेटर करना है कल्टीवेटर ही करता है यूजुअली ओके okay. मतलब उसके बिना फार्मर लाता ही नहीं है दूसरा उसके एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होने चाहिए और तीसरा वो प्राइमरी मार्केट के लिए जरूरी होनी चाहिए अगर ये तीनों तीनों कंडीशन पे प्रोसेस करते हो तो उतनी प्रोसेस अलाउड है उतने प्रोसेस के बाद भी जो निकलेगा ओके okay, वो एपी बोला जाएगा जो निकलेगा वो एपी बोला जाएगा समझ में आया चलिए तो ये था रिगार्डिंग टू यहां पे ओके okay, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो पहली बात फिर से एक बार ओके फिर से एक बार एक बार रिवाइज करो ये जो एक्टिविटी है सब सबके इसमें एग्जाम है ये एक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर में होगी जो डिफाइंड है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो दिया गया है ओके इस पर होगी तो ही एग्जाम ठीक है थीके? तो आ, जैसे हाँ अगर कोई अपना फार्म हाउस देता है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए फार्म हाउस देता है मतलब देखो वैकेंड लैंड विथ इंसिडेंटल स्ट्रक्चर इंसिडेंटल मतलब हाउस के साथ देता है

एपी नहीं है प्रोसेसिंग हो बदल गया। इसलिए कोई लेता लेता है या लेता है, तो वो है। या okay, ग्राम, तो ग्राम मतलब यहां पे चना, चना है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पल्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है यहां स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं प्रोड्यूस नहीं है हाँ कुछ पल्सेस जैसे राजमा वगैरह एपी हो सकता है पर जो यहां पे दाल मिल होती है देखो ग्राम चना एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर पल्सेस क्यों एपी नहीं है वो एज इट इज फार्म से निकला नहीं और उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग की वो कल्टीवेटर नहीं करता है वो दाल मिल अलग होती है दाल मिल मतलब देखो प्रोसेस अलाउड है पर पहली कंडीशन कल्टीवेटर ने करनी चाहिए अब आप कहोगे सर ओके फार्मर की खुद की दाल मिल होगी मैंने कहा यूजुअली कोई एक्सेप्शनल नहीं यूजुअली क्या वो प्रोसेस फार्मर खुद करता है नहीं दाल मिल अलग होती है इसलिए पल्सेस जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है वेरी इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट sugar cane शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है पर वेरी इंपॉर्टेंट शुगर और जैगरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है ओके okay, क्यों क्योंकि शुगर डायरेक्ट फार्म से निकलती नहीं है दूसरा शुगर यूजुअली फार्मर बनाता नहीं है ओके okay, और दूसरा ये प्रोसेस दूसरी दुसर, बात यहां पर इसके लिए शुगर मिल अलग होती है पैडी पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है पर इंपॉर्टेंट राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है क्योंकि राइस मिल अलग होती है ओके राइस फार्म से निकलता नहीं है दूसरा राइस यूजुअली कल्टीवेटर नहीं बनाता है तो राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं ये तीन लर्न करके जाना पल्सेस शुगर ओके जेगरी और राइस ओके okay, ये एपी नहीं है मतलब क्या मतलब ये हुआ कि अगर आपको एग्जाम में आया और एग्जाम में ये आया कि कमीशन एजेंट ऑन द कमीशन सेल ऑफ राइस तो आपको समझ जाना कमीशन एजेंट सेल ऑफ राइस पे ले रहे थे राइस इज नॉट एपी राइस एपी नहीं तो उस कमीशन पे जीएसटी आएगा कमीशन एजेंट ऑन द कमीशन सेल ऑफ शुगर और जैगरी जीएसटी आएगा ओके ऑन पल्सेस जीएसटी आएगा ओके okay, तो ये ख्याल रखना बिकॉज दे आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नेक्स्ट पुट अरे यार क्या हो गया नेक्स्ट पोटैटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है पर पोटैटो चिप्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है

ओके ग्रेन ग्रेन एपी है ओके okay, थ्रेशिंग करना थ्रेशिंग प्रोसेस करना ये यूजुअली फार्मर करता है ये यूजुअली फार्मर करता है तो इससे मिला हुआ प्रोड्यूस जो है ओके okay, ये ज्वार निकली है या फिर यहाँ पे वीट निकला है ये एपी माना जाएगा ओके okay, तो ज्वारी वीट, वीट या एपी माना जाएगा लेकिन लेकिन इससे अगर आपने आटा बना लिया फ्लोर बना लिया तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ओके okay, तो ये ख्याल रखा जाए एग्जाम में ओके okay, अच्छे से इससे एग्रीकल्चर सेक्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आने के नाइनटी चांसेस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना मैं बोल रहा हूँ नहीं किए तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता जाता प्यार हो जाता तो सह नहीं पाता टंग डंग टंग डंग टंग ठीक, ठीक है <laughs> चलिए ओके okay, तो जिन कॉटन फिर से कह देता हूं जिन कॉटन एपी नहीं है रॉ कॉटन एपी है जिन कॉटन इज नॉट एपी ओके जिन हुआ कॉटन एपी नहीं है, है।, है। नाउ अदर एग्जम्पन एग्जम्पन ऑन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस कैरिंग आउट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज ए जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर की जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है ओके okay, बहुत सी बार ओके okay, प्लांट uh, होते हैं प्लांट ओके जब छोटे होते हैं तो uh, यहाँ पे अप्रूट करके जॉब uh, वर्क को भेजाते हैं प्रोसेसिंग के लिए उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है फिर वापस कल्टिवेशन होता है तो जो इंटरमीडिएटी प्रोसेस होती है एग्रीकल्चर की वो एग्जम्प्ट है तो एक सवाल था मैलिंग ऑफ पैडी इंटू राइस क्या ये इंटरमीडिएट प्रोसेस है नहीं क्योंकि राइस वापस आके कल्टीवेट नहीं होता है राइस मार्केट में निकल जाता है इंटरमीडिएट मतलब वो जा रहा है और वापस आके कल्टीवेट हो रहा है तो इंटरमीडिएट बोला जा रहा है तो कोई जॉब वर्कर अगर इंटरमीडिएट प्रोसेस देता है तो एग्जाम और मैलिंग ऑफ पैडी इंटू राइस वो इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं मानी जाएगी अब देखो बेटा ये जो हमने देखा ओके कुछ एग्जाम्पन ऐसे है जो मैंने ऐसे अरेंज किया कि यह मेन हुआ मेन हुआ ओके okay, जैसे आगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर आएगा तो ट्रांसपोर्ट में भी मेन okay, प्री कंडीशनिंग प्री कूलिंग रैपनिंग वैक्सिंग रिटेल पैकिंग लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल ओके okay, तो उसको एग्जाम्शन दिया गया अब थोड़ा मैं ये बताता हूँ फ्रूट्स और वेजिटेबल एपी है एपी में अगर आप मेन लिस्ट देखते हो

ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट करना लोडिंग अनलोडिंग वेराउसिंग पैकिंग स्टोरेज ऑफ राइस अब सुनो मेरी बात राइस इज नॉट एपी राइस इज नॉट एपी इसलिए राइस को जो पहले मेन एग्जाम्शन में ये जो एग्जाम्शन दिया हुआ है लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेर हाउसिंग यह एंट्री में राइस को एग्जाम्पन नहीं मिलता है ओके क्यों नहीं मिलता है क्योंकि राइस एपी नहीं है तो इस लिस्ट में नहीं मिलेगा इसके वजह से साउथ के लोगों को थोड़ी नाराजी आ गई क्योंकि राइस वहां बनता है ओके okay, पर राइस एपी में नहीं आता है तो ये जो मेन एंट्री है एग्रीकल्चर की वो राइस को बेनिफिट नहीं देती है इसलिए फिर वो नाराज ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने यहां पे सेपरेटली एंट्री दे दी कि चल भाई नाराज मत हो ओके okay, राइस का लोडिंग अनलोडिंग वेयरहाउसिंग और पैकिंग सर्विस होगा तो वो एग्जम्ट होगा अब इससे एक और इंटरप्रिटेशन आता है क्या भाई राइस जो है सुनो मेरी बात यहां पे राइस जो है राइस का सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग को एग्जामेशन दिया है अगर राइस का कमीशन एजेंट सर्विस होगा तो एपीएमसी सर्विस होगा तो वो टैक्सेबल है आपको लिखना होगा तो वहां लिख देना ओके कमीशन एजेंट एपीएमसी ऑफ राइस इज टैक्सेबल ओनली लोडिंग अनलोडिंग वेरहाउसिंग एग्जाम है ठीक है या पैकिंग एग्जाम है बाकी कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेस ऑफ राइस एपीएमसी वो टैक्सेबल रहेगा उसके बाद में उसके बाद में वेर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओके okay, वो कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका वेयरहाउसिंग ओके okay, देखो वेयरहाउसिंग के लिए कुछ अलग से एग्जाम्शन दिए हैं जैसे राइस को वेयरहाउसिंग का एग्जाम्पन्न दिया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वेयर हाउसिंग का एग्जामेशन दिया है एक एंट्री जो अभी यहां पे ओके okay, ये एंट्री देखो ये भी इंपॉर्टेंट है पहले ये एंट्री अलग थी अब ये एंट्री इन्होंने चेंज की है सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ओके इसमें पहले और सारे प्रोडक्ट थे अब उन्होंने लिमिट कर दिया है सीरियल्स होगी जो एपी नहीं होगी पल्सेस होगी या फ्रूट्स और वेजिटेबल ओके फ्रूट्स और वेजिटेबल पर कभी प्रोसेसिंग हो जाती है तो अगर इनका वेराउजिंग होगा तो एक्ज है सीरियल्स पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल उनका वेरहाउसिंग अलग से एग्जामशन दिया है सर्विसेज बाय आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब स्पम डोनर ओके कभी कभी क्या होता है बफिल होता है बुल होता है तो जो हट्टा कट्टा बुल होता है उसके स्पम डोनेट किए जाते हैं उसके पैसे लगाए जाते हैं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विस ऑफ लाइफ स्टॉक होगा तो वो एग्जाम तो इस तरह से ओके okay, यहाँ पे हमने ये मेजर सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के सारे एग्जीबिशन देख लिए आई होप आपने एंजॉय किया होगा और एंजॉय किया होगा तो आपको क्या करना है आप ऑनलाइन देख रहे हो मेरे साथ या ऑफलाइन बाद में देख रहे हो आपको एक काम करना है कमेंट भी देना है बॉस ओके okay, कमेंट भी देना है और लाइक like भी करना है चलिए तो चल यहां पे तीन सेक्टर हो गए हेल्थ केयर सेक्टर चैरिटेबल रिलीजियस सेक्टर एग्जाम्स सेक्टर इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्स देख लिए बहुत सारे एग्जाम्शन देख लिया ठीक है तो यहां पे पुष्पा पुष्पा की तबीयत खराब हुई पूजा पाठ में लग गया उसको लगा कि मैं बचूंगा नहीं बोलो स्टोरी मेरे साथ ओके जिसको फास्ट में लिखना है लिख लेना आके okay, पुष्पा की तबीयत खराब हुई वो पूजा पाठ में लग गया उसको लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं उसके बाद बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड थी उसके पास बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड थी ठीक है आगे क्या हुआ स्टोरी में आगे क्या हुआ देखते हैं अब आते हैं लीगल सेक्टर में ठीक है अब ये लीगल सेक्टर अगेन इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर योर एग्जाम इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर योर एग्जाम देखो सर्विसेज बाय ऑफ आर्बिटर ट्रिब्यूनल और एडवोकेट और एक्सेट्रा पहला सर्विसेज बाय ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब आर्बिट्रेटर सबसे पहले आपको याद दिला दो हमने रिवर चार्ज देखा था और रिवर चार्ज में यह देखा था कि अगर आर्बिट्रेटर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो रिवर चार्ज बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो रिवर चार्ज लेकिन मैं चाहता हूं कि वो रिवर चार्ज और ये एग्जामिशन साथ में पढ़ो तो आपको और क्लैरिटी आएगी और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे ओके सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिटल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें एक एग्जाम्पन दिया है ओके अब एग्जाम्पन क्या है बिजनेस एंटिटी नॉन बिजनेस एंटिटी और गवर्नमेंट पहले तो आपको बता दू अगर आर्बिटल ट्रिब्यूनल सर आपने कहा वो अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा तो रिवर्स चार्ज सर ने नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया जैसे कोई ट्रस्ट है ट्रस्ट का सेटलमेंट किया आर्बिट्रेटर ने नॉन बिजनेस एंटिटी है कोई ओके जे भी होगा नॉन बिजनेस एंटिटी है अगर मतलब कोई बिजनेस नहीं कर रही है वो ओके नॉन बिजनेस एंटिटी होगा तो अगर वो नॉन बिजनेस एंटिटी होगा कोई एच है उसका सेटलमेंट किया तो वो एग्जम्प्ट है अच्छी बात है वो एग्जम्प्ट है अगर आर्बिटल ट्रिब्यूनल ने गवर्नमेंट को सर्विस दिया सीजी मतलब गवर्नमेंट एसजी मतलब गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल ऑथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी एल मतलब लोकल ऑथॉरिटी तो वो केस में एग्जाम तो सिर्फ बिजनेस एंटिटी में टैक्सेबल है अब बिजनेस एंटिटी में टैक्सेबल है ओके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए आर्बिटल ट्रिब्यूनल बाकी सब एक्समट है सिर्फ बिजनेस एंटिटी में टैक्सेबल है वहां पे भी रिवर्स चार्ज पर बिजनेस एंटिटी में भी एक एग्जाम्शन दिया हुआ है अब ये शन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कभी कभी इसका एक एडजस्टमेंट रहता है एडजस्टमेंट ऐसे रहता है ईयर इज टेन लैक्स वो बस इतना लिखते हैं आपको क्लियर होना चाहिए अच्छा टर्न ओवर भी देखना पड़ेगा तो अब देखो यहां पे अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जिसका एग्रीगेटर एग्रीगेट टर्न ओवर मतलब 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 ट्रिब्यूनल ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जो छोटी बिजनेस एंटिटी है अब आपने छोटी क्यों बोला क्योंकि उसका वो बिजनेस एंटिटी का पिछले साल का टर्न ओवर पी का टर्न ओवर उतना था जो उसको एग्जामिशन के बाहर रख रहा था सॉरी uh, जो उसको रजिस्ट्रेशन के बाहर रख रहा था ओके मेक इट इलिजिबल फॉर एग्जामिशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन मतलब वो रजिस्ट्रेशन के बाहर था सिंपल वर्ड में थ्रेशोल्ड के नीचे था दस लाख बीस लाख या चालीस लाख अगर कोई बिजनेस एंटिटी है और पिछले साल का टर्न उसका थ्रेश के नीचे रहेगा आपको लिखना हो तो सिंपल वर्ड में लिखना ओके टर्न और बिलो बिलो के नीचे था तो और इस साल उसको अगर कोई सर्विस दी तो वो सर्विस रहेगी इवन दो रिसिपियंट इज बिजनेस एंटिटी बोलो एक बार मैसेज फिर एग्रीगेट टर्न और फाइनेंशियल बिलो थ्रेश होल्डम रहेगा डन वो एग्जाम रहेगा लेकिन सेकेंड पार्ट इफ एग्रीगेट टर्न ऑफ बिजनेस एंटिटी इन पी सच अमाउंट मेक इट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन मेक इट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो वो ये केस में टैक्सेबल हो जाएगा मतलब ओके okay, पिछले साल उसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था ओके okay, वो लाइबल और टर्न और ज्यादा था और उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया या फिर रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी आ गई तो वहां पे टैक्सेबिलिटी आएगी और वो भी रिवर्स चार्ज में आएगी आई रिपीट वो भी रिवर्स चार्ज में आएगी मतलब क्या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विसेज बाकी सब लोगों को बोलो मेरे साथ एक बार फिर से चलो कमन कमन बोलो मेरे साथ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर बाकी सब लोगों को सर्विस देता है तो एग्जाम

ओके okay, उसके बाद में हम बात करेंगे सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट हाँ ये एग्जामेशन है इसलिए अभी फिलहाल सीनियर एडवोकेट को हम बाजू में रखते हैं अगर इंडिविजुअल एडवोकेट होगा बोलो मेरे साथ इंडिविजुअल एडवोकेट होगा या फर्म ऑफ एडवोकेट होगा और वो सर्विसेज दे रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बिल्कुल दिमाग लड़ाना अगर वो सर्विसेज नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है एडवोकेट तो एग्जाम कितना खुश है एडवोकेट <laughs> मैं नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा हूँ किसी डिवोर्स की केस है अब डिवोर्स बिजनेस नहीं है बेटा नॉन बिजनेस एंटिटी है डिवोर्स किसी पर्सनल सर्विस दिया घर का झगड़ा हो गया मारामारी होगी क्रिमिनल केस हो गई और वो क्रिमिनल केस में नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है ओके okay, लॉयर खुश है मैं क्रिमिनल के केस में करोड़ों लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ओके डिवोर्स के करोड़ों लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ओके जो भी सर्विस उसने नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया एग्जाम है जो भी सर्विसेस उसने अनादर एडवोकेट को दिया या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दिया वो भी एग्जाम है अनादर एडवोकेट को दिया वो भी एग्जाम है खुश है एडवोकेट ओके okay, हम बेचारे सी ए सी में जो है ओके okay, हम करें क्या हमारी तो सारी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है सिर्फ एडवोकेट को ये सारे एग्जामेशन है अगर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन ट्रोल लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दिया तो एग्जाम है मतलब ओके मोस्ट ऑफ द चीजें तो एडवोकेट की एग्जाम्ट है भाई टैक्सेबल टैक्सीबल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ध्यान रखना टैक्सेबल क्या आएगा अगर उसने बिजनेस एंटिटी को दिया हो ओके यानी अगर एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी के नाम पे बिल बनाया हो जैसे कोई एडवोकेट है बीस वार्ड के नाम पे बिल बना रहा है कंपनी के नाम पे बिल बना रहा है फिर वो बिजनेस एंटिटी इंडिविजुअल हो एच हो कंपनी हो सोसाइटी हो कोई भी हो अगर वो बिजनेस एंटिटी है मतलब बिजनेस की वो नाइन एक्टिविटी कर रहा है तो फिर फिर टैक्स आएगा उसमें भी देखो एडवोकेट उसमें भी हंस रहा है हाँ टैक्स आएगा बेटा लेकिन टैक्स हम थोड़ी देंगे बिजनेस एंटिटी का तो रिवर्स चार्ज यानी एडवोकेट इतना खुश है ना इतना खुश है ना कि बाकी सारे केस में एग्जाम है सुनो बाकी सारे केस में एग्जाम टैक्स ही नहीं आता है और एक केस में टैक्स आता है बिजनेस एंटिटी उसमें भी उसमें भी रिवर्स चार्ज है एडवोकेट बस तो घूम रहा है लीगल सर्विस होगी क्या पर क्या रखना ये सारा सब कुछ कब जब लीगल सर्विस होगी गया बाकी सर्विस एडवोकेट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है ये ओनली एप्लीकेबल फॉर लीगल सर्विस अब देखो जो बिजनेस एंटिटी है बिजनेस एंटिटी में भी छोटा बिजनेसमैन होगा अब छोटा का मतलब क्या आप पूरा प्रॉपर लिखना एग्जाम में छोटा बिजनेसमैन मत लिखना मतलब अगर वो बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्न और प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड से नीचे होगा तो एग्जम्ट है मतलब रिवर चार्ज में भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है बिजनेस एंटिटी को

जहां टैक्सेबल है वहां पे भी रिवर्स चार्ज है बॉस ओके इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट समझा होगा तो लाइक कीजिएगा और टू टाइप कीजिएगा मतलब आपको यहाँ पे सेकंड भी समझ में आ गया तीसरा लीगल सर्विस ओके okay. ये जो एग्जाम्शन है तीनों केस में ये एग्जाम्पन लीगल सर्विस को है सर व्हाट डू मीन बाय लीगल सर्विस चलो मैंने पढ़ाया था अभी एक बार देख लेते हैं ओके सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस कंसल्टेंसी असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन सर्विस लीगल मतलब ओके okay, एडवोकेट बोलता है सब कुछ लीगल नहीं होता है वो तो फालतू बातें भी करता है ओके okay, सब लीगल नहीं अगर उसकी लीगल सर्विस का कोई ब्रांच ऑफ लॉ में होगी एडवाइस कंसल्टेंसी और असिस्टेंस तो लीगल माना जाएगा या रिप्रेजेंटेशनल सर्विस होगी तो लीगल माना जाएगा चलिए ये हमने सेकंड देखा अब तीसरा देखते हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट अब ये सीनियर एडवोकेट में वो क्या कवर कर रहे हैं देखो कैसे है वो जब हम रिवर चार्ज पढ़ते हैं तो हम रिवर चार्ज में तीनों एक साथ पढ़ते हैं इंडिविजुअल फर्म और सीनियर

बड़ी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है बेस्ड ऑन और ऑपरेसरिंग फाइनेंशियल ईयर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी तो टैक्सेबल वो भी रिवर्स चार्ज में बाकी सब सेम है तो चेंज का है चेंज बट बेटा ये चार्ट और ये चार्ट में चेंज है कि अगर सीनियर एडवोकेट सुनना अगर सीनियर एडवोकेट और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर सीनियर एडवोकेट अनादर एडवोकेट को या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दे सर्विस दे रहा है फिर अनादर सीनियर एडवोकेट को दे छोटे एडवोकेट को दे फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा तो है तो इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल ठीक है तो यहां पे डिफरेंस है यहां पे क्या जूनियर एडवोकेट या फॉर्म एडवोकेट अनादर एडवोकेट को सर्विस देता है तो है पर सीनियर सीनियर एडवोकेट 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 गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई सीनियर एड़ोकेट दूसरे एड़ोकेट को सर्विस देगा या फॉर्म एडवोकेट को सर्विस देगा तो टैक्सेबल लेकिन इसमें थोड़ा एक टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ टेक्निकल पॉइंट ये है ओके अभी मेरे साथ एक केस हुई थी इससे ये पॉइंट आप समझने की कोशिश करो वो ये कि एक एडवोकेट था पुना का और उसने सुप्रीम कोर्ट के के लिए एक दिल्ली के सीनियर एडवोकेट की सर्विस ली क्योंकि एक केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी थी तो उसका रीट पिटिशन फाइल करना था यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन की केस थी जिसका रीट पिटिशन फाइल करना था सुप्रीम कोर्ट में ओके समझ लो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं ओके शिवसेना ओके शिवसेना के साथ ओके यहाँ पे कुछ गड़बड़ उसका रीट पिटिशन फाइल करना था तो सीनियर एडवोकेट दिल्ली का एक एडवोकेट का सर्विस लिया गया कपिल सिंबल

इवन दो सीनियर एडवोकेट मुझे सर्विस दे रहा है पर अगर मेरा एग्रीगेट टर्न ओवर यानी ये एडवोकेट कहता है मेरा एग्रीगेट टर्न ओवर पिछले साल थ्रेशोल्ड के नीचे था नया नया एडवोकेट था पर बड़ा टैलेंटेड एडवोकेट था अभी अभी बिजनेस चालू किया उसने नाम हो गया उसका यही साल एक महीने में नाम हो गया पिछले साल उसका जीरो टर्न ओवर था ओके और वो सीनियर एडवोकेट की सर्विस ले रहा है ओके जीरो टर्न ओवर था तो अब ये जो नया नया बंदा था इस, इसने कहा कि मेरा एग्रीगेट और पिछले साल यहां के नीचे तो ठीक है सीनियर एडवोकेट अनादर एडवोकेट को सर्विस देगा तो टैक्सेबल है पर एडवोकेट मेरा प्रोफेशन है प्रोफेशन बिजनेस की डेफिनेशन में आता है तो मैं भी तो बिजनेस एंटिटी हूं चलो यहां एग्जेशन नहीं पर ये पहला वाला एग्जाम्शन तो मिलना चाहिए ना कि अगर सीनियर एडवोकेट ने ऐसी बिजनेस एंटिटी मैं भी बिजनेस एंटिटी हूं यार ओके okay, जिसका पिछले साल का थ्रेशोल्ड तो बिजनेस साल का टर्न और बिलो थ्रेशोल्ड है तो एग्जाम्शन मिलता है तो मुझे यहाँ नहीं मिलेगा एग्जाम्शन लेकिन पहला वाला तो मैं इलिजिबल ना तो आप क्या कहोगे मिलेगा क्या ये yes, बेटा मिलेगा तो जो दूसरे एडवोकेट को सर्विस दिया किसने दिया सीनियर एडवोकेट ने वैसे एग्जम्शन नहीं है पर पर अगर वो बिजनेस एंटिटी यहां पे टर्न और थ्रेशों के नीचे होगा प्रेसिडिंग फिनेंशियल में तो एक्शन मिल जाएगा आई होप आपको तीनों एंट्री समझी होगी इस तरह से हमने लीगल सेक्टर खत्म किया समझा होगा तो यहाँ पे टाइप कीजिएगा एल 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 लीगल सेक्टर ये समझाएंगे नहीं समझा ओके पूरा लीगल सेक्टर हमने ले लिया ओके तो अब हमारी स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाते बाहुबली की सॉरी बाहुबली पुष्पा पुष्पा की तबीयत खराब हुई आरसीएम तो आएगा क्योंकि बिजनेस एंटिटी है बिजनेस एंटिटी है तो वो सिचुएशन में ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बिजनेस एंटिटी है तो आरसीएम तो आएगा ना बेटा मतलब अगर उसका टर्न ओवर अगर उसका टर्न ओवर यहाँ पे थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तो फिर रिवर चार्ज में उस एडवोकेट पर लाइबिलिटी आएगी ठीक है क्योंकि है तो बिजनेस एंटिटी डन चलिए ये समझा तो लीगल सेक्टर हमने देख लिया ये लीगल सेक्टर में हमने ये देख लिया कि तो पुष्पा की तबीयत खराब हुई हेल्थ केयर सेक्टर पूजा पाठ में लग गया चैरिटेबल रिलीजियस सेक्टर उसके पास बहुत बड़ी लैंड थी एग्रीकल्चर सेक्टर याद है बहुत बड़ी लैंड थी एग्रीकल्चर सेक्टर उसने कहा कि अब मैं तो रहने वाला नहीं हूँ इसका मैं मैं तो जाऊँगा पता नहीं तबीयत तो बहुत खराब हो गई इसका बंटवारा करते हैं तो लॉयर को बुलाते हैं लीगल सेक्टर स्टोरी अटैच हो गई ओके एग्रीकल्चर लैंड का बंटवारा करना था एग्रीकल्चर लैंड का बंटवारा करना था तो लॉयर को बुलाया गया लीगल सेक्टर अगर ये स्टोरी के हिसाब से जाओ तो सारे सेक्टर आपको याद आ जाएंगे एग्जम्पन थोड़ा इजी जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ठीक है, है? इंडिया में यहां पे जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देंगे ठीक है इंडिया में जो यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देंगे मतलब वो व्हीकल रेंट पे नहीं दे रहे सुनना मेरी बात वो व्हीकल रेंट पे नहीं दे रहे ठीक है थीके? वो जो है ओके पैसेंजर को बैठा के टिकट चार्जेस ले रहे हैं या जो जो रूट तक जाना है उसके चार्जेस ले रहे हैं तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस इंडिया में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस रोड से दी जाती है जिसमें बसेस होते हैं ऑटो होते हैं कैब होती है दूसरा रेल से दिया जाता है जिसमें ओके okay, पैसेंजर रेलवे या मेट्रो मोनो रेल होता है वाटर से दिया जाता है जिसमें इनलैंड वाटरवे रिवर या शिप ओके okay, सी से दिया जाता है नेक्स्ट बाय एयर दिया जाता है ओके okay, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तो देखिए आपकी अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तो वो केस में कहां का एग्जामशन है चार्ट अच्छे से पढ़ के जाना पहला ओके पहला, okay, पहला यहाँ पे स्टेज कैरेज अगर बाय रोड होगा बाय रोड में मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं बस मीटर कैब ऑटो रिक्शा मोटर एर एक्सेट्रा अगर आपका यहाँ पे बाय ओके रोड होगा और रोड में बस होगा बस में स्टेज कैरेज मतलब गवर्नमेंट बसेस लिखना हो तो लिख देना स्टेज कैरेज मतलब गवर्नमेंट बसेस दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब प्राइवेट बसेस लिखना होगा तो प्राइवेट बसेस अगर गवर्नमेंट बसेस होगी और एसी बसेस होगी तो टैक्सेबल यानी गवर्नमेंट के एसी बसेस का टिकट चार्जेस पे जीएसटी आएगा वोल वो गवर्नमेंट ओके यहाँ पे जैसे पुणे में वोलवोल वो चलती है गवर्नमेंट की तो वोलवो एसी बसेस होगी तो टैक्स आएगा नॉन ए बस, ओके बस होगी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा तो आप अगर कभी महाराष्ट्र आओ पुणे आओ तो यहाँ पे एसी बसेस में जब बैठोगे पुणे टू मुंबई पुणे टू अदर सिटीज तो उसके टिकट पे जीएसटी आएगा और वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहेगा पर नॉन एसी में बैठोगे आप तो जीएसटी नहीं आएगा तो आओ कभी पुणे ठीक है तो यहां यहाँ लेकिन अगर ये नॉन एसी बसेस का टिकट बुक किया गया और वो ई के थ्रू बुक किया गया जैसे रेड बस रेड बस एक सीओ है अगर ये नॉन एसी बसेस का टिकट ईसीओ के थ्रू बुक हुआ ये इंपॉर्टेंट है ईसीओ के थ्रू बुक होगा तो फिर टैक्सेबल है अगर डायरेक्ट टिकट तो है तो एग्जाम ईसीओ के थ्रू होगा तो टैक्सेबल है ओके और उसका टैक्स ई देता है उसका टैक्स ई देता है चलो दूसरा दूसरा प्राइवेट बसेस प्राइवेट बसेस जो होती है एसी टैक्सेबल है नॉन एसी नॉन एसी बसेस अगर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट है यानी स्टेशन टू स्टेशन पब्लिक के लिए है पॉइंट टू पॉइंट है स्टेशन टू स्टेशन है तो एग्जाम लेकिन अगर नॉन एसी बसेस टूरिज्म के लिए दिया गया समझ लो कोई टूरिज्म के लिए चार दिन के लिए नॉन एसी बसेस दे दी प्राइवेट बसेस तो टैक्सेबल चार्टर्ड या हायर टूर के लिए दिया गया ओके कोई कंपनी को हायरिंग कर दिया गया चार्टर्ड के लिए तो वो टैक्सेबल है लेकिन ये नॉन एसी सी बसेस जिसमें आप ट्रेवल करते हो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही है पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन है तो एग्जम पर स्पेशली टूरिज्म टूर या चार्टर हायर के लिए होगा तो टैक्सीबल लेकिन अगर अगेन ये नॉन एसी बसेस का अगर बुकिंग इश्यू के थ्रू किया गया किया तो होगा रेड बस वगैरह ऐप के थ्रू किया होगा तो वो टैक्सेबल होगा चलो रोड में आते हैं कैब ऑटो रिक्शा मोटर कैब एक्सेट्रा अगर मीटर कैब होगी और ऑटो रिक्शा होगा कमॉन मीटर कैब होगी और ऑटो रिक्शा होगा तो एग्जाम लेकिन अगर वो मीटर कैब तो या ऑटो रिक्शा इसीओ के थ्रू बुक किया मतलब ओला के, ओला के का ऑटो रिक्शा हो तो उसका टैक्स फिर ओला देगा हाँ, डायरेक्ट ऑटो होगा तो टैक्स नहीं आएगा मीटर कैब होगी तो टैक्स नहीं आएगा लेकिन इसियों के थ्रू अगर आपने कैब और रिक्शा बुक किया तो वो केस में टैक्स आएगा और अदर सिर्फ मीटर कैब को एक्जम्ट है ऑटो रिक्शा को एग्जाम है इंक्लूडिंग ई रिक्शा ओके मतलब अभी भी यहां पे आप देखो तो आ, यूपी में दिल्ली में ई रिक्शा चलते हैं महाराष्ट्र में भी कुछ जगह ई रिक्शा चलते हैं तो ई रिक्शा भी इसमें कवर्ड है वो एग्जम रहेगा लेकिन प्राइवेट कैब होगी प्राइवेट टैक्सी होगी तो वो टैक्सेबल रहेगी ठीक है ये हुआ रोड रोड का समझा क्या होगा तो आर टाइप करो रोड का होगा तो आर टाइप करो ठीक है उसके बाद में रेलवे समझ लो आप पुणे आते हो ओके पुणे आने के बाद आप ओके रेल रेल में बैठ रहे हो लोकल रेल में या यहां से रेल में और कहीं जा रहे हो इंडियन रेलवे होगी इंडियन रेलवे में फर्स्ट क्लास और एसी क्लास की टिकट पे जीएसटी आएगा बोलो मेरे साथ फर्स्ट क्लास और एसी क्लास के टिकट पे जीएसटी आएगा बाकी स्लीपर क्लास उसके बाद में ऑर्डिनरी क्लास बाकी एग्जाम फर्स्ट क्लास और एसी क्लास होगा तो टैक्सेबल दूसरा मेट्रो मोनोरेल ट्रैम वे होगा तो ये एग्जाम सी दिस आयरन या इंडियन रेलवे में एसी क्लास टैक्सेबल है पर मेट्रो तो पूरी एसी होती है ओके okay, मेट्रो तो पूरी एसी होती है वो एग्जाम है गवर्नमेंट मेट्रो मोनोरेल ट्रैम को प्रमोट करना चाहती है जैसे आप कोलकाता जाते हो ट्रैम में बैठते हो तो वो एग्जाम इसको प्रमोट करना चाहती है तो ये एसी भी होगी तो भी एग्जाम उसको प्रमोट करना चाहती है फिर आते वाटर वाटर में इनलैंड लैंड वाटर वे इन वाटर मतलब रिवर ट्रांसपोर्ट ठीक है तो इनलैंड लाइन वाटरवे रिवर से जा रहे जैसे यहां पे मुंबई से कोकन रिवर है रिवर से जा रहे हो ओके okay, तो इन सिंपल वर्ड रिवर ट्रांसपोर्ट एग्जाम लेकिन वेसल, वेसल वेसल शिप शिप ट्रांसपोर्ट बाय सी अगर आप वेसल से जा रहे हो और वो वेसल टूरिज्म के लिए होगा जैसे क्रूज शिप टूरिज्म मतलब लिख देना क्रूज शिप होगी और वो मुंबई से गोवा जा रही होगी होगा तो टैक्सेबल लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा अदर यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा वेसल से तो एग्जाम ओके okay. और लास्ट बाय एयर पहले तो कहो बाय एयर पूरा टैक्सेबल है मतलब समझ लो आप आपके सिटी से पुणे आए पुणे आए बाय एयर आए अगर पुणे आप बाय एयर आते हो तो वो टिकट पे चार्जेस फिर आप एयर एयरपोर्ट पे उतरे एयरपोर्ट से आपने प्राइवेट टैक्सी बुक की प्राइवेट टैक्सी टैक्सेबल फिर आप जो है यहां से आप रेलवे से ओके okay, आप यहाँ पे रेलवे से कोई दूसरे सिटी जाना है जहाँ एयरपोर्ट नहीं था समझ लो यहाँ से आपको संभाजी नगर औरंगाबाद जाना है तो आप रेल में बैठे रेलवे में एसी में बैठोगे तो जीएसटी आएगा नॉन एसी में बैठोगे तो नहीं आएगा फिर आप उतरे और वहाँ ऑटो बुक किया ऑटो बुक किया तो अगेन okay, ओके जहाँ तक जी एस नहीं आएगा ऑटो पे ओके okay, इन सिंपल वर्ड ये सब मैं कवर कर रहा हूँ फिर हो सकता है मेट्रो में बैठे पुणे के मेट्रो में बैठे हो गए स्टेशन तक जाने के लिए तो एग्जाम नहीं एक्जन मिलेगा दिल्ली के मेट्रो में बैठे हो गए तो एग्जम्शन मिल जाएगा अब एयर पूरा टैक्सेबल है लेकिन एयर इन इकोनॉमी क्लास ये इंपॉर्टेंट है अब ये ये इकोनॉमी क्लास आ गया अभी अगर आप कुछ एरिया में जैसे अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा या बगदोदरा ये एरिया में जाते हो और इकोनॉमिक क्लास की टिकट लेते हो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोनॉमिक क्लास की टिकट लेते हो तो वो केस में जाने का यानी एम्बार्किंग या टर्मिनेशन यहां से जाके वहां टर्मिनेट कर रहे हो या वहां से बैठ रहे हो जाने आने की टिकट ये एरिया में कहीं से भी बुक करो जाने आने की टिकट इकोनॉमिक क्लास में बुक रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट को यह एरिया का टूरिज्म प्रमोट करना है इसलिए गवर्नमेंट कहती है अगर आप ये एरिया में जा रहे हो कहीं से भी बैठो कोई भी पर्पस के लिए बैठो ये एरिया में जा रहे होगे तो वो सिचुएशन में इकोनॉमिक क्लास के एयर टिकट पर जीएसटी नहीं आएगा एग्जम रहेगा बाकी सारे के इस पर टैक्सेबल रहेगा चलो तो हमारा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर खत्म हुआ समझा क्या मेनली सारे मेन डिस्कशन तो हो गए ये समझा क्या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर यस और नो चलो यहां पे ठीक है तो अब हमारी स्टोरी लाइन को हम लेते हैं हमारे स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करते हैं क्या स्टोरी लाइन थी क्या थी स्टोरी लाइन हाँ पुष्पा की तबीयत खराब हुई हेल्थ केयर सेक्टर पूजा पाठ में लग गया चैरिटेबल रिलीजियस सेक्टर नेक्स्ट उसके पास बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड थी एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चर लैंड का बंटवारा करने लॉयर को बुलाया गया लॉयर ओके लीगल सेक्टर उस इतनी लैंड थी कि उसके बहुत सारे रिलेटिव आ गए ट्रांसपोर्ट करके पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे रिलेटिव क्योंकि सब सब रिलेटिव को लालच आ गए कि मुझे भी कुछ मिलेगा मुझे भी कुछ मिलेगा कुछ मुझे कुछ मिलेगा उसके बहुत सारे रिलेटिव आ गए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर ओके okay, चलो अब आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ओके okay, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट देखा अब गुड्स ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं फटाफट चलिए तो गुड्स ट्रांसपोर्ट में बाय रोड होता है वेरी इंपॉर्टेंट पहले पैसेंजर ना अब गुड्स देख रहे ओके रो, okay, रोड रेलवे इनलैंड वाटरवे ओके okay, एयर और वेसल पाइपलाइंस और कैंडूट अब मैं आपको बता दूं रोड होता है तो रोड में जीटीए होगा तो टैक्सेबल सुनो रोड में जीटी होगा तो टैक्सेबल कुरियर होगा तो टैक्सेबल जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो टैक्सेबल है वो दोनों ऑप्शन में टैक्सेबल है फॉरवर्ड और रिवर्स ट्वेल्व परसेंट फाइव परसेंट आपको याद है तो दोनों ऑप्शन में टैक्सेबल है और कुरियर तो रोड से अगर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है या कुरियर एजेंसी तो टैक्सेबल है बाकी सारा अदर रोड ट्रांसपोर्ट एग्जाम बुलक कार्ड है छोटे गुड्स कैरेज है ओके okay, जो जीटीए नहीं है वो सारा एग्जाम है जो इंडिविजुअल ट्रक ओनर है देखो इंडिविजुअल ट्रक ओनर जीटीएम नहीं आते ओके okay, तो बढ़ो सारा रोड ट्रांसपोर्ट एग्जाम जीटीए एंड कोरियर उसके बाद में रेलवे रेलवे मालगाड़ी गुड्स की गाड़ी मालगाड़ी लिख दो वो फुल्ली टैक्सेबल है सीधी सायरनी पैसेंजर होगा पैसेंजर होगा आपका तो रेलवे में पैसेंजर होगा तो सिर्फ एसी क्लास फर्स्ट क्लास टैक्सेबल है बाकी एग्जाम में लेकिन मालगाड़ी होगी तो पूरा पूरा टैक्सेबल है इनलैंड वाटर वे रिवर ट्रांसपोर्ट एग्जाम एयर और वेसल में, और वेसल में हो सकता है कि यहां पर सुनिए ध्यान से एयर और वेसल में इंटर लेवल पे एग्जामेशन नहीं होगी मैंने बुक में भी नहीं दिए हो पर चार्ट कॉमन था इंटर और फाइनल का इसलिए मैंने यहां ले लिया मैं समझा देता हूँ पर हो सकता है आपकी बुक में नहीं हो गया ठीक है तो एयर और विसल में यहां पे सॉरी अगर ट्रांसपोर्टेशन बाहर से इंडिया में होगा ट्रांसपोर्टेशन बाहर से इंडिया में होगा अप टू कस्टम स्टेशन इंडिया बाय एयर होगा तो एग्जाम ओके बाय एयर होगा तो एग्जाम बाय वेसल होगा तो टैक्सेबल ठीक है इंडिया टू इंडिया एयर वेसल होगा तो पूरा टैक्सेबल है और इंडिया से कोई वेसल और एक बाहर लेके जा रहा है गुड्स को तो बाय वेयर और वेसल 30 सितंबर 2022 तक ये एग्जाम था और उसके बाद में टैक्सेबल ठीक है और लास्ट पाइपलाइन और कंड्यूट तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा यहां पे ये पढ़ के जाना इस पे बहुत से बार क्वेश्चन आते हैं इन फॉलोइंग गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय जी रेल और वेसल पेमेंट ऑफ टैक्स एग्जामेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स ठीक है यह जो गुड्स है यह गुड्स अगर आप जी टी ए ट्रांसपोर्ट करता है रेल ट्रांसपोर्ट करता है या वेसल ट्रांसपोर्ट करते हो तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा पहला ओके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन हमने देखी है. अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वह एग्जाम है दूसरा मिल्क सॉल्ट फूडग्रेन फ्लोर पलसेस राइस राइस पल्से फ्लोअर फूडग्रेन सॉल्ट और मिल्क ये अगर जीटीए टी ए से ट्रांसपोर्ट हो गया तो एग्जाम ओके, ये ट्रांसपोर्ट तो एग्जाम उसके बाद में ऑर्गेनिक मैन्यूअर ऑर्गेनिक मैन्युअर अगर ऑर्गेनिक मैन्युअर मतलब फर्टिलाइजर लिखना तो लिख दो फर्टिलाइजर अगर इनसे ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसके फ्रेड पर जीएसटी नहीं आएगा न्यूज मैगजीन होगा तो नहीं आएगा रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम जा रहा होगा तो जीएसटी नहीं आएगा फ्रेट पे या डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट हो और वो ट्रांसपोर्ट okay, होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा सिंपल वर्ड में मैं आपको एक बात बताना बताना चाहता चाहता और वो ये बात बताना चाहता आपको इसको कैसे याद रखोगे तो इसको याद रखोगे डॉक्टर मोना इसको याद रखोगे डॉक्टर मोना ओके okay, ये डॉक्टर मोना कैसे याद रखोगे डी डी फॉर ओके क्या डिफेंस आर फॉर रिलीफ मटेरियल ओके एम फॉर एम okay, फोर क्या रहेगा मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन ओके एम डी आर ओके एन ओ फॉर ऑर्गेनिक उसके बाद में मैन्यूज पेपर ए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो ये डॉक्टर मना याद रखना और ये लिस्ट याद रखना और ये अगर जीटीए रेल और वेस्टल से ट्रांसपोर्ट होता है तो वो सिचुएशन में यहां पे इनको एग्जिमिशन नहीं मिलेगा ठीक है उसके बाद में बेटा सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो टीडीएस टीसीएस काटेगी अगर जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है जो ओनली रजिस्टर्ड फॉर डिडक्शन ऑफ टी डी तो वो एग्जामेशन में रहेगा उसके बाद में सर्विस बाई वेब हायरिंग ऑफ हायरिंग टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मोटर व्हीकल मीन टू कैरी ट्वेल्व पैसेंजर अगर आपने हायर पे दिया और किसको दिया ये ये भी इंपॉर्टेंट एग्जामेशन है अगर आपने हायर पे दिया और आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है एस टी महामंडल है ओके तो उस पर आपने मोटर व्हीकल दिया जिसकी सिटिंग कैपेसिटी बारह से ज्यादा है अब बारह से ज्यादा है मतलब बसेस रेन पे दिया अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को जिसकी सिटिंग कैपेसिटी बारह से ज्यादा है तो एक्जम्ट रहेगी दूसरा लोकल ऑथॉरिटी लोकल ऑथॉरिटी को इलेक्ट्रिक व्हीकल रेन पे दिया जिसकी सिटिंग कैपेसिटी बारह से ज्यादा है तो एक्जम्ट रहेगा अगर आपने हायर जीटीए को कोई ट्रक रेंट पे दिया जीटीए को रेंट पे दिया तो उसको भी एग्जामेशन है और ओके okay, ऐसे बंदे को आपने और, और मोटर व्हीकल रेंट को दिया जो आगे स्कूल को सर्विसेज देता है है तो तो उसको भी है। तो ये हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के सर्विसम्शन देखे ओके यहाँ पे चलिए बेटा ये एग्जामेशन अभी हमने देखा है पहला सेशन इसी सेशन को हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे इसी सेशन को हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो यहां रुकते हैं और एग्जामेशन को आगे नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे आई होप आपने ये पूरा डिस्कशन एंजॉय किया होगा एंजॉय किया होगा तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन में जो भी देख रहे होंगे तो बस आपने लाइक like करना है और अपनी कमेंट जरूर देखना है जरूर देना है कि आपको ये रिविजन कैसा लगा ओके डन थैंक यू यस कल का सेशन हमारा जो होगा यस yes, बेटा तो कल का सेशन की लिंक मैं क्रिएट कर दूंगा कब होगा वो लिंक पे टाइमिंग देख लेना कब होगा वो लिंक पे टाइम देख लेना पॉइंट नंबर टू ओके आपने अगर वी स्मार्ट अकेडमी के लॉगिन किया होगा और आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा जो आपके लॉगिन में दिया गया है तो टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं अपडेट कर दूंगा ठीक है चलो यहां रुकते हैं लिंक मैं क्रिएट कर दूंगा कल के सेशन की लिंक मैं क्रिएट कर दूंगा कल के सेशन की उस पर टाइमिंग देख लेना आपने चलो